हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त मोहित रांटा। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं अगली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात की स्टेट प्रोफाइल की आज हम बात करने वाले हैं। गुजरात जो है ये टूरिज्म के हिसाब से भी एक अहम सेंटर है, और यहाँ गुजरात ने इंडिया को बहुत सारे नेता भी दिए हैं और बहुत सारे महान पुरुष भी दिए हैं। दो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बन रही है जो यहाँ के टूरिज्म को और यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करने वाली है। ये आप जो यहां पर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो इनकी मूर्ति बन रही है, ये बन रहा है इनका स्टैचू, जिसे जाना जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू बनने जा रहा है। ये 182 मीटर ऊंचा है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये टूरिज्म को, गुजरात के टूरिज्म को बहुत बूस्ट करेगा। दूसरा आप यहां पर देख सकते हैं महात्मा गांधी जो है, ये भी गुजरात से थे। तीसरा आप बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यहां पर देख पा रहे हैं, वो है 100 रुपए का जो नया नोट आया है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रानी की वाव। रानी की वाव जो है, ये 100 रुपए के नोट में इसने अपना स्थान बनाया है, ये भी गुजरात से हैं। इन सारे पॉइंट्स का और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पर जो सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है गुजरात। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये राज्य जो है सबसे पश्चिमी राज्य है इंडिया का, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहां पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात जो है ये 250 तालुकाज में बंटा हुआ है। ये छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, जिनको मिला करके 33 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। गुजरात जो टोटल गुजरात है, उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। इन चार भागों को, ये जो चार पार्ट है, मेजर पार्ट्स, इनको फर्दर 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है साउथ गुजरात, दूसरा है सेंट्रल गुजरात, तीसरा है नॉर्थ गुजरात, और चौथा है सौराष्ट्र और कच्छ जो गुजरात का एरिया है। ये है चार, ये चार मेन रीजन है। तो अगर आप साउथ रीजन देखेंगे, यहां पर सूरत जो यहां की अहम सिटी है, ये आती है, और बाकी की डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप देख सकते हैं। सेंट्रल गुजरात में बात करें, तो सेंट्रल गुजरात में आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है गुजरात का, जो कि इंडिया का पहला शहर है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान मिला है। नॉर्थ गुजरात की बात करें, तो नॉर्थ गुजरात में आता है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वो आता है नॉर्थ गुजरात में। अगर बात करें सौराष्ट्र कच्छ की, तो इसमें आता है, कच्छ रीजन आता है, और साथ ही साथ यहां पर आता है पोरबंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये 33 डिस्ट्रिक्ट में बंटा हुआ है गुजरात, जो कि यहां पर आपको बताई गई है। ये आपको मैं मैप दिखा देता हूं, ये देखिए, ये गुजरात है, और ये गुजरात का जूम्ड मैप है, जो इसकी 33 डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो गुजरात है वो यहां पर नॉर्थ में आप देख सकते हैं बॉर्डर बनाता है यहां पर राजस्थान के साथ। यहां पर ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, और यूनियन टेरिटरीज दो है, दमन एंड दीव के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये कहां पर दमन एंड दीव के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये करता है यहां पर। और अगर बात करें दूसरी, दादरा एवं नागर हवेली की, तो उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है यहां पर। अगर बात करें, अगर अदर जो स्टेट है ये इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, जिसके साथ ये ईस्ट में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और साउथ की बात करें, तो साउथ में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है दमन एंड दीव के साथ, एज वेल एज ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ। ये अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी के साथ लगता हुआ ये रीजन है, और ये इंडिया का एक सबसे बड़ा जो सी के साथ जो लगने वाली जो क्षेत्र है वो लगता है गुजरात का। अब बात करें यहाँ के सिंबल्स की, सिंबल्स की बात करें, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो गुजराती है, और सॉन्ग यहाँ का है जय जय गरवी गुजरात। कैलेंडर की बात करें, तो शक यहाँ का कैलेंडर है, शक संवत जो है ये यहाँ का कैलेंडर है। एनिमल की बात करें, तो एशियाटिक लॉयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के गिर फॉरेस्ट में आपको मिलेगा, गिर जो नेशनल पार्क है वहां पर एशियाटिक लॉयन आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करें, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का स्टेट बर्ड है, और फ्लावर की बात करें, तो मैरीगोल्ड यहाँ का स्टेट फ्लावर है। फ्रूट की बात करें, तो मैंगो यहाँ का स्टेट फ्रूट है, और ट्री की बात करें, तो बनियान ट्री यहाँ की
स्टेट ट्री है। नेक्स्ट बात करें इसकी प्रोफाइल की, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई थी 1 मई 1960 को गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था। इसकी कैपिटल गांधीनगर है, लेकिन इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद। ये एक यूनेस्को लिस्टेड हेरिटेज साइट भी है। डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया यहां पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहां के गवर्नर जो है उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली, और यहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपानी। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यहां का, जिसमें की 182 सीट्स है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो ये 36 है। हाईकोर्ट जो है गुजरात का वो गुजरात में ही है। नेक्स्ट अगर यहाँ के एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है यहाँ का वो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एरिया वाइज इसका छठा रैंक बना देता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 6,03,83,628 यहाँ की पॉपुलेशन है, जो कि इसे पॉपुलेशन वाइज 9th रैंक इसको देता है। डेंसिटी की बात करें तो 308% पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी है। और अगर डेमोनिम्स की बात करें तो ये गुजरात का रीजन जो है ये गुजराती डेमोनिम है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 78.03% यहाँ का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 यहाँ का सेक्स रेशो है। अब कुछ हिस्ट्री की बात कर देते हैं। हिस्ट्री की बात में सबसे पहले बात करें तो सबसे पुरानी जो सभ्यता रही यहां पर, वन ऑफ द वर्ल्ड जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीन बहुत इंपॉर्टेंट नगर यहां पर मिलते हैं। पहला है लोथल, दूसरा है धौलावीरा और तीसरा है गोलाधोरो। ये जो रीजन्स है ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गुजरात में पड़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। लोथन जो है इसे माना जाता है ये वर्ल्ड का सी पोर्ट, वर्ल्ड का पहला सी पोर्ट रहा। लोथल जो है गुजरात का, ये वर्ल्ड का माना जाता है पहला सी पोर्ट रहा। गुजरात का जो पोस्टल सिटीज है उनमें आता है भरूच और खंबात, ये दोनों जो है ये यहाँ की कोस्टल सिटीज है। और यहाँ का जो यहाँ के जो पोर्ट्स है, जितने भी यहाँ के बंदरगाह है, ये मौर्यन और गुप्ता अंपायर के अहम ट्रेडिंग सेंटर माने जाते हैं। अगर बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये धौलावीरा का एक फोटो है, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप वेल, यहाँ का जो तालाब है वो यहाँ पर पाया गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है। और दूसरा है लोथल, लोथल में जो है यहाँ पर बताया गया है जो वॉशरूम है, जो ड्रेनेज सिस्टम रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही डेवलप्ड रहा है। अगर बात करें यहाँ का जो मॉडर्न डे गुजरात है, ये डिराइव किया जाता है संस्कृत के वर्ड गुजरात देशा से, जिसका मतलब होता है यहाँ पर जो ये इसका जो मतलब होता है वो होता है लैंड ऑफ गुजर्स। तो यहाँ पर जो ट्राइब है वो हून ट्राइब्स रही 8वीं से 9वीं शताब्दी में। और अगर बात करें जो आज का राजस्थान और गुजरात है, इसे जाना जाता था गुजरातरा और गुजर भूमि के नाम से इसे जाना जाता था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ गुजर्स। ये मुगल पीरियड में इसे इस नाम से जाना जाता था। यहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। नेशनल पार्क जो है यहां पर 4 नेशनल पार्क है। पहला है वंसदा नेशनल पार्क, जो कि 1979 में एस्टेब्लिश हुआ था, 23 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है यहां पर ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था और 34.53 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गिर फॉरेस्ट की बात करूं तो यहां पर एशियाटिक लॉयन जो है ये पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है ये 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था और 258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरीन नेशनल पार्क जो है ये नेक्स्ट है, 1982 में एस्टेब्लिश हुआ है और इसे 162 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये यहां पर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख सकते हैं, ये टोटल 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये यहां पर है। अगर यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूं तो रानी की बाव और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ये है आपका चंपानेर का, चंपानेरगढ़ जो है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अहम रिवर्स है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें दमन गंगा रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, और माही रिवर है ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और तापी रिवर जो है ये मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए ये बह जाती है अरेबियन सी में, ये भी यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली बात जो है, 6th लार्जेस्ट इंडिया स्टेट बाय एरिया है गुजरात। गुजरात जो है ये छठा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, और 9th लार्जेस्ट जो एरिया है ये पॉपुलेशन वाइज है। अगर यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया की।
ये जो गुजरात है ये सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है इसका ये है 1600 किलोमीटर, जो कि इंडिया के किसी भी स्टेट से सबसे ज्यादा है। कांडला पोर्ट यहां पर है जो कि लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है जो कि वेस्टर्न इंडिया के लिए सर्व करता है, सी रूट है यहां से जो कि है कांडला पोर्ट। यहां से बहुत सारा वेस्टर्न इंडिया का जो है ये बड़े बड़े बंदरगाहों में से एक है। अगर बात करें मेजर एग्रीकल्चर की तो यहां पर कॉटन, ग्राउंड नट, डेट, शुगर केन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यहां पर गुजरात में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें सीमेंट और पेट्रोल यहां से इसमें पहुंचाया जाता है। अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करूं तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो कि घूमने के टूरिज्म के हिसाब से भी, और इसी के साथ साथ यहां पर गुजरात में इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो भी अदा करते हैं यहां के टूरिज्म में। सबसे पहला है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर गुजरात में, जो कि एक सफेद चादर से ढका हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर आप जा सकते हैं और ये टूरिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां पर एशियाटिक लॉयन जो है ये पाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गांधीनगर यहां की राजधानी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं और यहां पर अक्षरधाम टेम्पल जो है ये भी यहां पर है। मांडवी तीसरा आता है। मांडवी जो है ये एक बीच है और ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट आता है आपका पट्टन और मोधेरा। पट्टन और मोधेरा जो है, पट्टन में यहां पर है रानी की बाव जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड है, और दूसरा है आपका मोधेरा। मोधेरा में आता है सन टेम्पल जो कि यहां का बहुत फेमस है गुजरात का। नेक्स्ट आता है द्वारका। द्वारका आपने ये सुना होगा, द्वारकाधीश जो है श्री कृष्ण को कहा जाता था, तो श्री कृष्ण की नगरी है यहां पर द्वारका जो कि गुजरात में है। ये हिंदू हिंदुइज्म के हिसाब से एक बहुत ही अहम पिलग्रिमेज सेंटर है ये है गुजरात में। नेक्स्ट यहां पर लोथल और धोलावीरा है जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अहमदाबाद ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ये इंडिया का एकमात्र शहर ऐसा है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। नेक्स्ट बात करें अगर यहां पर, नेक्स्ट है भावानगर। भावानगर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के टूरिज्म के हिसाब से और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी। सोमनाथ नेक्स्ट है। सोमनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ पर सोमनाथ में है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के टूरिज्म के हिसाब से। अब यहाँ से गुजरात से जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है वो दी है गुजरात ने इंडिया को, तो वो कौन कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपिता की, नेशन फादर ऑफ नेशन की, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है ये यहां गुजरात की देन है, ये गुजरात के रहने वाले थे। दूसरे लौह पुरुष की मैंने बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये भी गुजरात के हैं। नेक्स्ट आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है ये चौथे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 1977 से लेकर 1979 तक रहा है, ये भी गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है ये भी गुजरात के रहने वाले हैं, रहने वाले थे, ये गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट आता है आपका श्रीमद राजचंद्रा, ये जो है ये भी गुजरात के रहने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी जो है फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी गुजरात के रहने वाले थे। अगर नेक्स्ट बात करें यहां पर, नेक्स्ट आता है आपका जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जो है जिन्होंने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन रखी, जिन्होंने फाउंड किया टाटा ग्रुप को, ये भी गुजरात के रहने वाले थे और इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से। अगर बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, जो पहले कायदे आजम रहे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये भी यहाँ के गुजराती मुस्लिम थे या यहाँ के रहने वाले थे, राजकोट के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारे प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये भी गुजरात के रहने वाले हैं और ये गुजरात के वडनगर नगर के रहने वाले हैं। उर्जित पटेल जो है, जो इस समय करंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल, ये भी यहीं के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं
खेड़ा के। सो गाइज ये था गुजरात के बारे में हमने आज डिस्कस करा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें हमने बात करी गुजरात की, और अगर कुछ पॉइंट रह जाएंगे उनको हम फर्दर एमसीक्यूज में वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई वीडियो में कमी हो तो कृपया करके कमेंट जरूर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें।